अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू funboy.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों की तरफ से पिछले कुछ दिनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। और बेसिकली वो क्वेश्चन ये था कि आप लोग पूछ रहे थे कि टेक्नो की डिवाइसेस के अंदर एड्स को किस तरह से डिसेबल किया जा सकता है। अब ये तरीका है तो बड़ा सिंपल, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और एड्स से इरीटेट भी हो रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं सारे तरीके बताऊँगा जिसके बाद आपकी डिवाइस कम्प्लीटली एड फ्री हो जाएगी। तो तरीका स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक का है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूं। अब यहाँ पे सबसे पहले काम जो आपने करना है नोटिफिकेशंस और ये एड्स वगैरह डिसेबल करने के लिए, आपने इस चीज़ को ऑफ़ करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को इरीटेट करती है। अगर तो आप इससे इंस्टेंट गेम प्ले करते हैं तब तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप गेम्स वगैरह ये नहीं खेलते तो आपको हो सकता है ये बहुत बुरा लग रहा हो। आपने ये करना है, सिंपल होम पेज के ऊपर आकर इसको लॉन्ग प्रेस करना है, और लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपने डेस्कटॉप सेटिंग्स का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है लास्ट में, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप आएंगे अदर सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको जो पसंद है आप रखें, जो नहीं पसंद आप उसको डिसेबल कर दें। अब वो जो मेन्यू के अंदर आपको इंस्टेंट ऐप्स नज़र आ रही थी वो यहाँ से डिसेबल होंगी, और ये सर्च इंस्टेंट ऐप भी यहाँ से डिसेबल कर दें। अब वापसी चल के देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा डिवाइस के ऊपर। तो होम पेज तो वैसे ही है, यहाँ पे ट्रेंडिंग सर्च वगैरह शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वाला बार जा चुका है। अब इसको भी रिमूव करने के लिए आपने यही करना है, होम पेज के ऊपर आके लॉन्ग प्रेस करना है, डेस्कटॉप सेटिंग्स के ऊपर आना है, और यहाँ पर अदर सेटिंग्स के ऊपर आकर सर्च बार को और हॉट सर्चेस को हटा देना है। और अब आएंगे वापसी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी गायब हो चुका है। अब आप इसको अपने हिसाब से होम पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हटेंगी जो फालतू की चीज़ें आ रही हैं। तो इसको कस्टमाइज़ करना बड़ा सिंपल सा है, आपने सिंपल लास्ट में आना है और ये आपको सेटिंग का गियर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको जो जो नहीं चाहिए आप ये माइनस के ऊपर क्लिक करते रहें, जो चाहिए आप रहने दें, बाकी सारा आप हटा सकते हैं। अब मैंने इसको रख दिया, अब मैं फ़ोन मास्टर भी ऐड कर देता हूँ, ये भी काम आता है कभी कभी। और यहाँ पर ये इस तरह से आ गया। अब ये वेदर यहाँ पे इसलिए इस तरह शो कर रहा है क्योंकि अभी मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं है वेदर वाले से, तो इसलिए इस तरह से शो हो रहा है। एनीवे, यहाँ पर आपको कुछ इंस्टेंट ऐप वगैरह भी नज़र आ रही हैं जो कि आप इंस्टेंटली खोल सकते हैं, और ये दो काम हो गए। अब तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछी है वो ये है कि नोटिफिकेशन किस तरह डिसेबल होंगे। फालतू के नोटिफिकेशन आते हैं, अभी तो फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस तरह के नोटिफिकेशन आते रहते हैं जो कि इरिटेट करते हैं, एड्स होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये आप देख सकते हैं इस तरह की जो फालतू ऐप्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली ऐप हो गई जो आपके काम की नहीं होती और ये पहले से ये डाली हुई होती है इन्होंने, आप इनको अनइंस्टॉल कर दें। अब बहुत सारी ऐप ऐसी होती हैं जो कि अनइंस्टॉल नहीं हो सकती और आपके काम की भी नहीं है, जैसे कि ये वाली एप्लीकेशन है आप यूज़ नहीं करते और आपके काम की भी नहीं है और यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप इसको डिसेबल कर दें। डिसेबल से ये होगा कि ये डिसेबल रहेगी और जब आपको काम जो होगा या ज़रूरत पड़ेगी तो आप वापसी आके इसको इनेबल भी कर सकते हैं। और ये ऐप जब तक डिसेबल रहेगी तो इसके नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे। और इसके अलावा अगर आप ऐप को इस्तेमाल भी करते हैं, आपकी यूज़ की भी ऐप है, लेकिन आप डिसेबल भी नहीं करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल भी नहीं करना चाहते और सिर्फ उसके नोटिफिकेशन से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली आना है यहाँ पे ऐप को, जो भी ऐप आपको नोटिफिकेशन भेज रही हो उस ऐप पे आपने देर तक क्लिक करना है, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन डिटेल्स के अंदर जाकर नोटिफिकेशन के अंदर जाना है और यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन जो है वो ऑफ़ कर देना है। अभी यहाँ पर आ नहीं रहा है नोटिफिकेशन क्योंकि ये ऐप आई थिंक सिस्टम ऐप है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐप पे दिखा देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए सही से। तो ये जैसे ऐप है, ये गेम है कोई, तो इसके अंदर जाते हैं और आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखें ये शो नोटिफिकेशन ऑन है, आप इसको ऑफ़ कर दें। इसके बाद ये वाली ऐप जो है वो आपके मोबाइल में तो रहेगी, आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐप आपको नोटिफिकेशंस नहीं भेजेगी। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशंस को भी ख़त्म कर सकते हैं, सारे के सारे जो भी आपको इरीटेट कर रहे हो, और फालतू की ऐप्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आपकी हेल्प हो गई होगी, आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका सलूशन आपको मिल गया होगा। अगर सलूशन मिल गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, आज की वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक का है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी स्मार्टफोन से मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप funboy.com को विजिट कर सकते हैं। funboy.com के ऊपर आपको तमाम स्मार्टफोन की प्राइसेस, लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।